टाइटल रीड करते ही ऑफिस के दिन याद आ गए। आई नो द टाइटल इज वेरी रिलेटेबल, तो इसी वजह से आज का ये वीडियो मैंने सेलेक्ट किया है फॉर माय रिएक्शन वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छाया की माया। मैं हूँ छाया एंड मैं आगे हर रोज की तरह आप लोगों से मिलने विद अ न्यू वीडियो। तो आज का ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी मज़ेदार टाइटल है। जो भी ऑफिस जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये रिलेटेबल लगेगा। आई नो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इसमें शायद ऐसे दिखाने जो आपके ऑफिस में आपके साथ भी होते होंगे। तो आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर एनी रीज़न गिव मी अ थम्स अप। ऑल्सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट इज़ फ्री एंड दैट इज़ अ बेल आइकन, उसे भी जरूर क्लिक करना टू गेट द नोटिफिकेशन जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो जो वीडियो मैंने आज के लिए चूज़ किया है उसका सीजन 2 आ रहा है ऑन सोनी लिव। मैंने सीजन 1 नहीं देखा था। द टाइटल ऑफ द वीडियो इज क्यूबिकल्स सीजन 2। आई डोंट थिंक सो कि कुछ रिलेटेबल स्टफ होगा फ्रॉम सीजन 1। लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि मुझे सीजन 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल लग रहा है। तो आई विल डेफिनेटली वॉच सीजन 1 ऑन सोनी लिव एंड देन आई विल वॉच सीजन 2। डिस्क्रिप्शन में तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है बट एक स्टेटमेंट ज़रूर मेंशन है जो जिसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमें इन आर लाइफ जर्नी। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। काफ़ी दिल को छू जाने वाला स्टेटमेंट है एंड ऑब्वियसली हर कोई इंसान ये स्टेटमेंट को रिलेट कर पाएगा। विटनेस अ हार्ट वार्मिंग जर्नी इन एंड अराउंड दीज क्यूबिकल्स। एंड ये एक TVF क्रिएशन है तो TVF के काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉर्ट्स वीडियोस आते हैं ऑन YouTube। डू नॉट मिस इट। एंड ये वाला भी सोनी लिव पर है एंड इट इज़ सीजन 2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड यू वांट टू वॉच सीजन 2 देन आई थिंक सो पहले आप सीजन 1 देख लो एंड देन यू शुड वॉच सीजन 2। आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम एंड वी विल स्टार्ट वेरी वेरी क्विकली। पर के सारे फालतू कंपोनेंट्स आपने मेरे पैकेज में ऐड किए। That's your CTC, cost to company. मैं मैकबुक लेने जा रहा था। 18% इंक्रीमेंट हुआ था, 88% नहीं। ये सब क्यों छोड़ दिया फिर? बिजली का बिल है ना, ऑफिस का रेंट, ये फर्नीचर का कॉस्ट। We are working on it. मेरा खून छोड़ देना प्लीज बस। पीयूष, भाई लेट हो रहा है, उठ जाना। जल्दी जाना था ना। भाई तूने बिजली का बिल नहीं किया? आज लास्ट डेट है यार। मंडे मॉर्निंग सबको जोश रहता है। सुबह से पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई कर रहा हूं। कोई पढ़ाई के बारे में सोचता है? कोई मंडे ब्लूज काफी रिलेटेबल टर्म है अगर आप ऑफिस का लैंग्वेज देखोगे तो। दो दिन की जो छुट्टी आती है सैटरडे संडे और इतना एंजॉयमेंट करने के बाद जब मंडे ऑफिस जाना पड़ता है तो वो जो मंडे ब्लूज वाला फीलिंग रहता है, यू हार्डली कैन सी अ पर्सन जो मंडे को एकदम एक्साइटेड होके ऑफिस जा रहा। हाँ, इनिशियली कुछ दिन बहुत अच्छे लगते हैं मंडे को इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस, बट लेटर ऑन क्योंकि सेम दिनचर्या हो जाती है तो वो मंडे ब्लूज संडे का हैंगओवर उतरता नहीं, छुट्टी वाली फीलिंग जाती नहीं है एंड मंडे को हमें फिर अपने आप को लेके जाना पड़ता है ऑफिस। फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचता है, कार लेने की सोच रहा है। कौन सी? क्रेडिट कार्ड से EMI ले रहा है क्या? मैंने कार ले ली, तू क्यों ले रहा है? अरे क्योंकि तूने बेच दी। शिट। क्या हुआ? कोड फट गया। एक तो यहाँ सैलरी नहीं बढ़ रही है, ऊपर से मुझसे काम ही नहीं किया जा रहा था। भाई मुझे क्वार्टर लाइफ क्राइसिस हो गया। आई विल हैव टू रिजाइन। तो एक एम्प्लॉई शराब पी के रेजिग्नेशन का मेल डालता है और अब वो चाहता है कि वो मेल सर्वर से डिलीट हो जाए। ये कहानी अगर HR को पता लगी ना तो तू तो फायर होगा। अरे इधर नए लोग आ रहे हैं ना, आप तो जा रहे हैं ना यहाँ से, नया केबिन बन तो रहा है आपके लिए। You speak very politely to the senior employees, always balanced. All these are signs of a good leader, Piyush. तो apologize कर दे भाई। यार इन्हें पता ही नहीं है ना अभी तक मैंने resign कर दिया। Hi Piyush, this is regarding your new job application. I can push for 40% hike. कुछ छोटी जगह में रहके अच्छा काम करना या कुछ extra पैसों के लिए बड़ी जगह में रहके कुछ नहीं करना, दोनों मुश्किल choices हैं। Life is all about choices one makes.
जो स्टफ दिखाया था वो काफी ज्यादा रिलेटेबल चीजें थी। इनफैक्ट जो ऑफिस जाते हैं ऑब्वियसली उन्हें पता है कि सीटीसी के बारे में किस तरीके से नेगोशिएशन करना चाहिए विद दी एचआर पीपल, कितना ज्यादा कटिंग्स होते हैं इन द सैलरी स्लिप्स। ऑल्सो जब मंथ एंड में सैलरी आती है नेक्स्ट डे वी हैव द बिल्स टू पे एंड बाय द टाइम वापस से मिड ऑफ द मंथ आ जाता है तब तक ऑलमोस्ट अकाउंट खाली हो जाता है। बट वी हैव आर ड्रीम्स टू फुलफिल एंड उस ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए देर आर टफ चॉइसेस। जब हमें ये फैसला लेना पड़ता है कि वेदर वी शुड स्टिक टू द करंट जॉब जहाँ पे हम बहुत अच्छे से सेटल हो चुके और वी शुड टेक दैट हाइक जो यहाँ पे हमारे एक्टर को मिल रही थी विद अ 40% हाइक। तो वो 40% हाइक एंड अ बिगर कंपनी बिगर सिटी एंड बिगर जॉब रोल। बिगर जॉब रोल के साथ आती है टू मच ऑफ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्हें भी पूरा करना पड़ता है। जितना आप जूनियर लेवल पर रहोगे वहाँ पे भी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, लेकिन जब आप एक चॉइस करते हो एक अपने लिए एक नया रास्ता चूज करते हो दैट विल बी गिविंग यू और पेइंग यू मोर। तो नो कंपनी विल पे यू मोर विदाउट गिविंग यू एक्स्ट्रा वर्क टू डू। तो वहाँ पे भी आपको अपना कैपेबिलिटीज दिखाना पड़ता है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। बट देन वहाँ पे भी जब वो एक सेम काइंड ऑफ लाइफ होना चाहती लाइफ हो जाती है तो वहाँ से भी जंप करने का एक डिसीशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो देर आर वेरी वेरी रेयर जहाँ पे हमें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो एक ही कंपनी में 10 to 20 years निकाल लेते हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द ग्रोथ विद द सैलरी विद द वर्क दैट दे आर डूइंग। बट कुछ लोग जिन्हें कुछ टाइम के बाद वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता है जॉब सेटिस्फेक्शन, दे डिसाइड टू जंप और वो जंप कभी कभी सही होती है कभी कभी नहीं होती। बस वही डिसीशन से दिस इज द ऑफिस डिसीशंस। अपना पर्सनल लाइफ को लेके जो आपको डिसीशंस लेना है ये वो डिसीशंस के ऊपर फोकस रहेगा दिस वेब सीरीज। बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो देन ऑल्सो देर आर मैनी डिसीशंस जिसके लिए आपको सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो डिसीजन या तो सही होगे या तो गलत होगे। वट एवर इट इज यू हैव टू टेक दैट डिसीजन एंड वट एवर आर द कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने हैं एंड आपको सिचुएशन से बाहर निकलना है। बस यही शायद का ये लेसन है इस वेब सीरीज का। सो दिस इज इट फॉर टुडे। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो। जैसे आपको पता है मैं हर रोज एक नया रिएक्शन वीडियो के साथ आती हूँ। तो आई विल सी यू टुमारो with a new video. Till then, do subscribe to my channel. Also, agar aapko ye video pasand hai, for any reason, do hit the like button and stay healthy, stay fit. Bye for now.